हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गर्वित, और आपका एक बार फिर फेबल्स फूड कार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज तक हम लोग बहुत जगह ऐसी लेकर गए हैं जहाँ चटपटा, कॉन्टिनेंटल, इटालियन और इंडियन, मैक्सिकन, साउथ इंडियन सब तरीके का टेस्ट मिलता है। लेकिन आज हम आप लोग को एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ पे आपको एकदम मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, तरोताज़ा कर देने वाला मिलेगा, जो है जूस। दोस्तों, ये है दत्त कृष्णा जूस एंड कोल्ड ड्रिंक सेंटर। दोस्तों, यहाँ पे इतना फ्रेश जूस मिलता है और इतना अच्छा जूस मिलेगा, वो एकदम फ्रेश पल्प से बनता है, फ्रूट से। आप देख सकते हैं जैसे बाहरी गन्ने की जूस की मशीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना रश है, कितना क्राउड है यहाँ पे, इससे पता चलता है यहाँ का टेस्ट ही कुछ गजब होगा। आप देखिए तो बार बार कोई ना कोई आ ही जा रहा है, इतना टेस्टी यहाँ का जूस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं और जानते हैं दत्त कृष्णा जूस एंड कोल्ड ड्रिंक सेंटर में और ऐसी क्या जूस की खास बात है जो लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा आते हैं। आइए तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपना फ्रेश जूस टेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसको जूस को पीते हैं, क्योंकि यहाँ के जूस को पीने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम एनर्जी लगती है, एकदम ताज़गी आ जाती है, लोग रिफ्रेशिंग फील करने लगते हैं क्योंकि यहाँ का जूस एकदम फ्रेश होता है। यही यहाँ की खासियत है, एकदम फ्रेश जूस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं उनसे जो दत्त कृष्णा जूस सेंटर के पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा जूस कैसे मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, ज़्यादातर जूस सेंटर में आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा नहीं, वहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, बैठने के साथ साथ आपको यहाँ पे जूस का ग्लास रख के भी पीने की यहाँ पे टेबल्स लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। आप देखिए तो ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स रखी हुई हैं, इधर मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं यहाँ पे एक मैम से जो अपना यहाँ पे जूस टेस्ट कर रही हैं। हेलो मैम, आपका नाम? ज्योति। ज्योति जी, और इसी साथ में आपकी बेटी है? हेलो बेटा, आपका नाम? यक्षी। बड़ा प्यारा नाम है आपका। और मैम, आपको यहाँ का जूस कैसा लगता है? नहीं, यहाँ का जूस टेस्टी है और बहुत पावरफुल है, उसको पेन की वजह एंजॉय करते हैं और वीकनेस नहीं आती है पीने के लिए। इन्होंने बताया एकदम पावरफुल और एनर्जेटिक फील होता है उसको पीने के बाद। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? हम लोग मार्केट में आते तो यहाँ पे आते ही है हमेशा पीने के लिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जिस दिन ये यहाँ पे मार्केट आएंगे मीरा रोड के शांतिनगर मार्केट में, तो ये यहाँ पे आते ही है। आपको ऐसा यहाँ के जूस में क्या खास बात लगती है जो बाकी जूसेस में नहीं होता? नहीं, यहाँ पे इसमें लेमन, बर्फ, वो सब अच्छी चीजें डालती है, इसके लिए उसे पीने का मन करता है यहाँ पे। ओके, तो आपने अभी कौन सा जूस टेस्ट करा? जूस कौन सा पी रहे हैं आप अभी? केन। ओके, शुगर केन का ये जो जूस है, शुगर केन का जूस टेस्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने बोला काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि लेमन और उस पर पुदीना डाल के देते हैं और बहुत टेस्टी और रिफ्रेशिंग होता है ये। तो थैंक यू मैम, आपने हमसे बात करी। थैंक यू। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी बेटी को भी टेस्ट करा रही। तो बेटा, आपको जूस का टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी बच्ची है दोस्तों, उसको यहाँ का जूस बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं उनसे जो यहाँ दत्त कृष्णा जूस सेंटर के पीछे काउंटर के पीछे बैठे हैं। आइए, चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं यहाँ जो अंकल बैठे हुए हैं। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है, मतलब यूथ तो आजकल बिजनेस में कितना ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ कुछ ओल्ड एज लोग भी हैं जो अभी तक बिजनेस नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो होता है ना दोस्तों, क्योंकि कभी कोई आदमी खाली नहीं बैठता, वो हर एज में कुछ ना कुछ कर सकता है। तो हेलो सर, सर आपका नाम? पवार जी, आपका जो ये दत्त कृष्णा जूस सेंटर है, ये कितने टाइम से है? 20 साल से। और 20 साल से मीरा रोड में ही है? मीरा रोड। और मीरा रोड में 20 साल हो, इससे पहले कहाँ पे था? मछली बंदर। तो आप यहाँ पे इस लाइन में, जूस सेंटर लाइन में कितने टाइम से? 20 साल से। दोस्तों, मतलब जो ये दत्त कृपा जूस सेंटर है, ये यहाँ पे 20 साल से मीरा रोड में है, और आपका सारे फ्रूट्स आपके फ्रेश होते हैं? हाँ। कौन कौन से आप यहाँ पे जूस देते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स के? मौसम्बी का गन्ने का ये सब देते हैं, सब आइटम। अच्छा, यानी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर सारे फ्रूट्स के जूस मिलते हैं। और सर, यहाँ आपकी टाइमिंग क्या है? सुबह 9:30 बजे से शाम को 11 बजे तक। अच्छा, यानी सुबह 8:30 बजे से शाम को 11 बजे तक। और सर, जैसा कि आपके यहाँ पे एकदम फ्रेश फ्रूट्स आते हैं और जूसेस भी सारे फ्रेश होते हैं, तो उनके रेट्स आपने कैसे डिसाइड करे? रेट्स कैसे हैं यहाँ? अच्छा है इधर का क्वालिटी। अच्छा, और यहाँ का जो जैसे जूस आपका कितने रुपए का है?
15 रुपए का। कौन सा जूस? गन्ने का, मौसम्बी का, चालीस ऐसा है सब आइटम का। अच्छा, अलग अलग। तो दोस्तों यानी यहाँ के रेट्स भी एकदम रीजनेबल हैं, और ज़्यादातर क्या होता है जब फ्रूट्स आजकल बहुत महंगे हो गए हैं तो जूस भी महंगे आते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम सब सस्ते जूस है। तो चलिए दोस्तों आज यहाँ का गन्ने का जूस टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा वो कैसा बना है। तो दोस्तों ये है दत्त कृपा जूस सेंटर का बहुत तरोताज़ा कर देने वाला एकदम रिफ्रेशिंग और फ्रेश गन्ने का जूस, शुगर केन जूस है दोस्तों। ये इनको दिखने में ही काफ़ी ऐसा मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि एकदम रिफ्रेशिंग कर देने वाली चीज़ किसको अच्छी नहीं लगता, वो मीठा मीठा ठंडा ठंडा होता है, मज़ा ही आ जाए दोस्तों। वैसे तो मैं गन्ने का जूस एक सांस में पी जाता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा वेट करके पीऊँगा क्योंकि इसके बाद बहुत रिफ्रेशिंग फील होने वाला है। हाँ, इसका एक सिप लेते ही दोस्तों गले में जो ठंडक गई है मज़ा आ गया, मतलब जितनी भी थकान थी सब मेरी मिट गई, एकदम रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। ऐसा गन्ने का जूस मैंने पहले कभी नहीं पिया, इतना फ्रेश तो कभी भी नहीं पिया, और जो इसका टेस्ट है गन्ने का यानी इससे पता चलता है एकदम फ्रेश और एकदम प्योर गन्ने है ये। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो मसाला है और जो आइस है वो भी एकदम इतनी अच्छी है, एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है। दोस्तों गन्ने का टेस्ट तो है ही, इसमें उसका मसाले का भी टेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमें हमारी यहाँ पे एक कस्टमर थे उन्होंने बताया था यहाँ पे लेमन और पुदीना भी देते हैं साथ में, तो उसका भी एकदम बराबर टेस्ट आ रहा है, जो एकदम एंड में मिक्स करके देता है एकदम मज़ा आ जाता है जिसको पीने से, वो है इसमें जो टच इसको फाइनल दिया जाता है लेमन और उसके पुदीना से, वो मज़ेदार है। हाँ, जब भी एक सिप लो एकदम एक रिफ्रेशिंग लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आज के दत्त कृपा जूस सेंटर वाला वीडियो पसंद आया हो, जो इतना रिफ्रेशिंग और इतना ठंडा ठंडा और इतना शानदार गन्ने का जूस वाला वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि इतना फ्रेश गन्ना कि आपको आपने अच्छा पहले इसका कभी देखा या सुना भी है या फिर नहीं, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ आइए दत्त कृपा जूस सेंटर जो कि मीरा रोड के शांति नगर एरिया में लोकेटेड है, और यहाँ पे आके इतना ठंडा और रिफ्रेशिंग जूस का मज़ा उठाइए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। और एंड में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पेबल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगली बार जब भी हम ऐसी कुछ रिफ्रेशिंग और इतनी बढ़िया वाली जगह पर जाएंगे और वहाँ की वीडियो आपके पास लेकर आएंगे तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे और उस लोकेशन पर पहुँच कर वहाँ के फूड का, वहाँ का जो भी बेवरेज है उसका लुत्फ उठा पाएंगे, मज़ा कर पाएंगे वहाँ पर जाके, और उस जगह पर जाके आप इतना इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये मेरी गारंटी है हम लोग आपको इतनी अच्छी जगह लेकर जाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।